Respected listeners and dear students, Assalamu Alaikum and welcome to my YouTube channel. Let's learn. Let's start the reading of chapter number 15 from page number 105. Chapter number 15 is Animal Rights. Yani, ke we have learned about the five basic human rights in book 3. They are the right to food, the right to clothing, the right to have shelter. The right to education, the right to be loved। यानी हमने जो थ्री क्लास में आप उन्हें बुक पढ़ी थी उसमें हमने इंसानों के हकूक के बारे में पढ़ा था पांच जो इंसानों के बुनियादी हकूक हैं जिसपे हर इंसान का हक है वो हमने बुक थ्री में पढ़ा था और वो क्या क्या थे वो थे कि हर इंसान को खाने का हक है हर इंसान को कपड़े का कपड़े पहनने का हक है हर इंसान को घर का हक है यानी उसके पास एक ऐसी जगह हो जो उसके लिए महफूज पना हो हर इंसान को तालीम का हक हासिल है हर इंसान को ये हक है कि लोग उससे प्यार करें इन दिस बुक वी विल टाक अबाउट एनिमल राइट्स यानी इस बुक में अब हम जानवरों के हकूक की बात करेंगे यानी इंसानों के हकूक की बात हमने बुक थ्री में की थी थ्री क्लास में यहाँ पे हम देखेंगे कि अब एनिमल राइट्स क्या हैं है? yes, जानवरों के हकूक क्या हैं यस एनिमल्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स टू ऑल हैव राइट्स हाँ जानवरों के परिंदों के और रींगने वाले जानदारों सब के सब के कुछ हकूक हैं वाई क्यों बिकॉज दे आर ऑल अल्लाह क्रिएशन एंड अ पार्ट ऑफ नेचर क्योंकि ये सब के सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं अल्लाह ने इनको तख्लीक किया है और हमारी कुदरत का हिस्सा हैं दे आर लिविंग क्रीचर ये जानदार मखलूक है जिंदा मखलूक हैं एनिमल्स हैव द राइट टू फूड टू शेल्टर टू प्रोटेक्ट kindness फ्राम ह्यूमन बींग्स यानी जानवरों को ये हक हासिल है उन्हें खुराक का हक हासिल है उन्हें महफूज पनाह गाह का हक हासिल है उन्हें ये हक हासिल है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनकी हिफाजत की जाए उनका ये हक है कि इंसान उनसे हमदर्दी और नरम मिजाजी से पेश आए एनिमल्स कैन फील हंगर थर्स्ट फियर एंड पेन एंड इवन हैप्पीनेस जानवर जो होते हैं वो महसूस कर सकते हैं महसूस करते हैं भूख को प्यास को डर को और दर्द को और यहाँ तक के वो खुशी भी महसूस करते हैं यानी जो खुशी के लम्हा होते हैं जानवर उनको भी फील करते हैं महसूस करते हैं सी हाउ अ पपी वेग्स इट्स टेल और अ किटन पुड्स वैन इट इज हैप्पी यानी हम देखते हैं कि देखें जब भी कोई कुत्ते का जो बच्चा होता है कोई पिल्ला होता है वो खुश होता है तो किस तरह वो अपनी दुम हिलाता है दाएं बाएं दाएं बाएं या कोई बिल्ली है बिल्ली का बच्चा है जब वो खुश होती है तो वो फिर आगे पीछे यूं घूमता है और खुशी से इधर उधर उछलता है खेलता है बट एनिमल्स कैन नॉट स्पीक टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स लेकिन जो जानवर हैं वो अपने आप को अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए बोल नहीं सकते सो ह्यूमन्स मस्ट क्रूल टू दीज क्रीचर्स तो जो इंसान हैं उनको इस मखलूक के लिए इस मखलूक के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए इस मखलूक के लिए जालिम नहीं होना चाहिए वी मस्ट केयर फॉर देयर नीड्स हमें इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्म एंड ट्रांसपोर्ट एनिमल्स यानी फार्म एनिमल्स वो होते हैं जो किसी फार्म पे किसी खेत में आ, काम करते हैं जैसे बैल हो गए गधे हो गए और ट्रांसपोर्ट एनिमल्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले ले जाने के लिए लाने के लिए यूज़ होते हैं जैसे ऊँट वगैरह गधे वगैरह हचर म्यूल्स मूल, वगैरह हचर वगैरह ये सब ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में आते हैं बैल भी आते हैं जब बैल गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उसमें जो बैल यूज़ होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट एनिमल का काम कर रहे होते हैं एनिमल्स आर ऑन फार्म्स एंड आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट यानी जानवरों को फार्म्स पर भी रखा जाता है पालतू जानवरों के तौर पे और साथ में उनको यू इस्तेमाल किया जाता है आमदोरफ्त के लिए यानी आने जाने के लिए वी शुड मेक श्योर दैट दे आर ट्रीटेड विद काइंडस हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये जो जानवर हैं इनके साथ हम नरमी का हमदर्दी का रहम दिली का सलूक बरत रहे हैं फैज प्रॉपरली इनको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर इनको खाना खिलाया जाए केयर्ड फॉर वैन इल जब वह बीमार हों उनकी देखभाल की जाए एंड कैप्ट क्लीन एंड कम्फर्टेबल और उनको साफ सुथरा और आराम दे रखा जाए When we see animals or birds being mistreated, we should try to stop this from happening। हम जब भी किसी जानवर या परिंदे के साथ कोई बुरा सलूक होते हुए देखें, तो हमें इस चीज को होने से रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। Next देखिए, cart animals are sometimes made to carry heavy loads and are beaten cruelly। जो जो गाड़ियाँ होती हैं जानवरों जानवर जिनको खींचते हैं यानी जैसे बैल गाड़ी के साथ जो बैल इस्तेमाल होते हैं या गधा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी में जो गधे और घोड़े इस्तेमाल होते हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है बहुत भारी बरकम जो वजन होते हैं उसको उठाने के लिए और बा अक्सर उकात इनको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है क्वाइट ऑफन डंकीज हिच्ड टू कार्टस हैव ऑन देयर बैक्स यानी जो जो गधे जिन जिनको ये जो कार्ड्स हैं इनमें यूज होते हैं इनको जो जब बांधा जाता है तो वो जो कार्ड होती है वो जो गाड़ी होती है उसकी जो लकड़ी होती है उससे जो बांधा गया होता है उसकी उसकी, उसकी वजह से उनकी कमर पे जो हंसा है वो जख्म हुए हुए होते हैं कि एक मुसलसल बांध बांध के वजन उठा उठा के वो उनकी जो गधे होते हैं उनकी बॉडी में धंसते जाते हैं तो इस वजह से उनकी बॉडी में जख्म हुए हो, हो जाते हैं देर ऑनर्स मे नॉट फीड दैम प्रॉपरली उनके जो मालिकान होते हैं उन्हें कभी कभार शायद उन्हें जो सा है उनके जरूरत के मुताबिक खाना नहीं खिलाते बट बीट दैम एंड मेक दैम वर्क ऑल द डे लेकिन उन्हें मारते हैं और सारा दिन उनसे काम करवाते हैं वट सैड लाइफ कितनी अफसोसनाक जिंदगी है यानी उन जानवरों की स्ट्रे एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स और ऑफन हिट विद स्टिक्स और स्टोन यानी आवारा जो गली गलियों में फिरने वाले जानवर हैं जैसे कि बिल्लियाँ या कुत्ते उनको अक्सर जो सा है किसी छड़ी से या पत्थर से मारा जा रहा होता है म्यूल एंड डंकीज दैट आर टू ओल्ड और इंजर्ड टू सर्व एज बीस्ट ऑफ बर्डन एंड जस्ट लैव टू डाई यानी वो हचरे और वो गधे जो अब बूढ़े हो चुके हैं और पहले वो बहुत ज़्यादा बंडल जो बेानतहा जिन पर वज़न लादा जाता था जो वो अब बिल्कुल जब बूढ़े हो जाते हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है मरने के लिए कि वो बेचारे अपनी जो लाइफ है उसमें कभी वो जख्मी हालत में मिलते हैं कभी वो स्ट्रे uh, एनिमल्स की तरह फिर रहे होते हैं और लोग जो उनसे उनको फिर जो उनके मालकान होते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं उनकी कोई केयर नहीं करते दिस इज वेरी क्रूल ये बहुत ज़ालमाना सलूक है बर्ड्स आर ट्रीटेड वेरी बैडली इन आवर कंट्री परिंदे हैं उन्हें भी हमारे मुल्क में उनके साथ जो सलूक है वो बहुत बुरा किया जाता है दे आर काट स्टफ्ड इन स्मॉल क्राउड केजे एंड देर विंग्स आर क्लिप्ड सो दैट दे कैन नॉट फ्लाई अवे जो उन परिंदों को छोटे छोटे जो पिंजरे होते हैं उनमें पकड़ के कैद कर दिया जाता है जिसकी वजह से उनके जो पर होते हैं वो टूट जाते हैं और वो मजीद जो सा है उड़ के कहीं दूर नहीं जा सकते नहीं उड़ सकते इन लार्ज मार्केट्स यू फाइंड बर्ड कैप्च इन टर्बल कंडीशन इन इनक्राम्प्ड एंड डर्टी केजेस यानी अगर आप बड़ी जो जानवरों की मंडियाँ होती हैं वहाँ पे देखें तो जो परिंदे होते हैं उनको बहुत ही जो सा है इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई तकलीफ़ दे जो हालात हैं हालत है उसमें रखा गया होता है कि उनके जोन से वो पार होते हैं और वो ऐसे भरे हुए होते हैं पिंजरों के अंदर और उनके पार भी टूट चुके हुए होते हैं और वो मुश्किल में अपने जो पिंजरे हैं गंदे पिंजरों में कैद हुए होते हैं नो वन टेक्स द ट्रबल टू गिव दम फूड और वाटर कोई भी इतनी तकलीफ नहीं करता कि उनको खाना या पानी दे दें दे, दे। इसको यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे यू बेस्ट ऑफ लकन ला हाफिज़